नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डीजी नेम क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डीजी नेम। आप जितने भी CSE VLE से जो न्यू हो या ओल्ड हो, जितने भी CSE VLE से, उन सबको डीजी नेम के अंतर्गत उनका जो है डोमेन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता डोमेन क्या है, डीजी नेम क्या है। ये जो सारे डोमेन मतलब क्या होता है, आपका जो वेबसाइट का नाम जो होता है वो डोमेन नेम हो गया। मैं आपको बता देता हूँ कैसा है डोमेन, क्या डोमेन किसको बोलते हैं। जैसे कि समझे हम यहाँ पर लिख दिया है फेसबुक, ये जो facebook.com जो ये जो है नाम है, ये जो डोमेन है इसे हम डोमेन कहा जाता है। जो नाम है वो किसी भी प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन में आने के लिए उनको एक अपना नाम होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी किसी ने अभी समझे facebook.com इसने रजिस्ट्रेशन की, तो यही जो डोमेन है किसी और को फिर से नहीं मिलेगा जब तक ये जो फेसबुक वाला ओन करके रखा है, इसको पेमेंट करता रहता है हर साल का। इनका डोमेन का जो चार्जेस रहता है तो पेड करता रहता है, तो उसके हिसाब से उसको रिन्यू होते रहता है। तो इसको कहा जाता है डोमेन नेम। बस मुझे इंटर कर दिया है, ये खुल गया, ये जो है पेज जो खुल गया, सारे जो डोमेन नेम के अंतर्गत ही है। लेकिन ये जो सारा डाटा जो है होस्टिंग करना पड़ता है, ये जो होस्टिंग है वो अलग से प्लान होता है, वो भी आपको मैं इसी वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा डीजी नेम क्या है और डोमेन नेम क्या है, और डीजी नेम से हमको डोमेन परचेस करने से क्या फ़ायदा होता है। तो बहुत से मतलब आप 90% इससे फ़ायदा आपका होएगा। जब भी मार्केट से आप लेते हो किसी भी डोमेन को, आप परचेस करते हो, तो आपको वहाँ पर साल का 10 से लेकर 15-20 हज़ार आपका जो है खर्चा हो जाएगा, जबकि आप डीजी नेम में 80% बचत कर सकते हो। आपका यहाँ पर 500 हज़ार साल का हो जाएगा खर्च काम, तो वहाँ पर जो आपका 10 से 15-20 हज़ार आपका खर्चा हो जाएगा। इसी खर्चों को बचत करने के लिए इन्होंने मतलब डीजी नेम के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करना, आपको खुद का नहीं, आप किसी भी अपने फ्रेंड का भी कर सकते हैं, किसी का भी आपको करना जरूरी है। मतलब इसका भी जो आप बिजनेस कर सकते हैं, जैसे डोमेन नेम आप लोगों को प्रोवाइड करके जो है बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना खुद का डोमेन परचेस करके रख लेना, इससे आपका जो ऑनलाइन जो बिजनेस है किसी का भी, आप ऑनलाइन जो बिजनेस होता है आप यहाँ पर से आप उसको बढ़ा सकते हैं। समझा आप जो जो सर्विस देते हैं वो सारे सर्विस जो आपका ऑनलाइन का जो वेबसाइट आपका बना रहे हो उसमें आप सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो। किसी को भी आप वासर से आपको जो मदद मिलेगी, मतलब कोई भी बंदा जो अगर ऑनलाइन में सर्च किया है तो वहाँ पर से आपके डिटेल मिलेंगे, तो आपके दुकान पर आएगा। तो जो भी जितना भी होएगा ऑनलाइन बिजनेस वो आपके वेबसाइट के द्वारा भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको डोमेन में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, और उसका होस्टिंग को प्रोवाइड होस्टिंग जो भी है आपको डीजी नेम के सारे का सारा जो डाटा है, सारा का सारा जो प्रोसेसर, सारे का सारा आपका जो है डीजी नेम के थ्रू ही आपका हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रोसेस है, जबकि आपको मैं आपको और एक क्लियर, जो डोमेन है, डोमेन जो प्रोवाइड बहुत सारे कंपनियाँ डोमेन प्रोवाइड करती है, जैसे GoDaddy है, ये भी डोमेन नेम प्रोवाइड करती है, और ये पर देख सकते बहुत सारे कंपनी है जो डोमेन प्रोवाइड करती है। जबकि GoDaddy में आप चले जाओगे यहाँ पर आप देखोगे तो 199 फर्स्ट ईयर यहाँ पर, लेकिन ये लोग बहुत ही चालू रहते हैं, फर्स्ट ईयर में आपको भले 199 में दे, लेकिन अगले साल डायरेक्ट उसका जो है 1000 2000 उनके मनमानी के हिसाब से वो आपके जो होस्ट का जो नाम है, मतलब जो कंपनी जो भी आपने फर्स्ट परचेस किया डोमेन उसका रेट बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर से आप लेने से अच्छा है कि डीजी नेम से ले, वहाँ पर फिक्स आपको एक रेट दिया जाएगा, उसी रेट में आपको मिल भी जाएगा। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो डोमेन नेम है आपको 199 में दिया जाएगा, और होस्टिंग प्लान है ये भी आपको 199, जबकि वहाँ पर सिर्फ 11 रुपये में आपको होस्टिंग प्लान मिल रहा है, यहाँ पर 199 से वहाँ पर 11, मतलब आप सोचिए कितना 90% जो है कम है वहाँ पर। तो इसीलिए आपको डीजी नेम से आपको डोमेन परचेस करना है। यहाँ पर आपको परचेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिजिटल सेवा का जो पोर्टल है वहाँ पर आपको चले जाना है। वहाँ पर जाने में आपको वॉलेट आपको पहले चेक कर लेना है, आपको वॉलेट में जो है बैलेंस मेंटेन होना ज़रूरी है, और जो भी आपका पेमेंट होएगा आपका वॉलेट के थ्रू ही कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च में चले जाना है। सर्च में जाने के बाद यहाँ पर आपको डाल देना है डीजी नेम, यहाँ पर डीजी नेम आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर डीजी नेम को ओपन कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बैनर भी दिया, गेट यूर ओन डिजिटल आइडेंटिटी, यहाँ पर डीजी नेम लॉगिन डे महाराष्ट्र 18 जनवरी।
सर्व CSEBLE आपले सरकार सेवा केंद्रांना सूचित करण्यात येते की आजच आपल्या डीजी नेम डोमेन नेम करता नोंदणी करावी। ये जो डीजी नेम है यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर थंबनेल घूम रहा है, जैसे कि यहाँ पर होस्ट योर ऑनलाइन बिजनेस विद डोमेन एट 199, ये भी जो प्रोवाइड कर रहा है 199 में आपको डोमेन नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके साथ यहाँ पर डिजाइन योर ओन सिंगल पेज वेबसाइट पर 11 रुपीज़ पर मंथ, जबकि वहाँ पर जो था वहाँ पर कितना था आप देखोगे 199 पर मंथ, यहाँ पर 11 रुपीज़ पर मंथ। बहुत सारा मतलब आप 90% इसमें बचत कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर लेना, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देगा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको यहाँ पर से सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया गया है, यहाँ पर इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी दिए गए, जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेना, लॉगिन पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर न्यू कस्टमर न्यू टू डोम डीजी नेम क्रिएट यूअर अकाउंट, आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट मतलब न्यू है लेकिन हम तो जो CSE का पहले से ही है, डीजी नेम हमको जो CSE प्रोवाइड कर रहा था, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र है, भले आप न्यू हो या ओल्ड हो आप CSE के माध्यम से आ रहे हैं तो हैव एन अकाउंट साइन इन नाउ। यहाँ पर साइन इन पर डायरेक्ट क्लिक कर, CSE के थ्रू आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट साइन इन पर क्लिक कर लेना। बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं CSE विया CSE कनेक्ट, यहाँ पर लॉग इन विया CSE कनेक्ट पर आपको कर देने हैं, लॉग इन विया CSE कनेक्ट यहाँ पर आपको येस कर लेना है ऑथराइज। यहाँ पर ऑथराइज करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जो है आपका CSE आईडी जो है आपको दिख जाएगा, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर विजिट माई अकाउंट, विजिट माई अकाउंट में चेक कर लेते हैं मेरा अकाउंट क्या है, जबकि मेरा अकाउंट में यहाँ पर कुछ दिखेगा तो नहीं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं डोमेन सोल्ड 0, मैंने कुछ बेचा नहीं है, वेबसाइट भी कुछ नहीं, एक्टिव डोमेन कुछ नहीं, एक्टिव पैकेजेस कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर जो है मेरा कुछ अभी नहीं है। मैं अभी मेरा जो है डोमेन नेम परचेस करके आपको दिखा देता हूँ। आपको डोमेन नेम परचेस करने के लिए यहाँ पर जो है सर्च डोमेन हेयर, यहाँ पर देख सकते हैं डोमेन सर्च, यहाँ पर सर्च आपको जो भी डोमेन है, डोमेन मतलब आप समझ गए रहेंगे, जो भी आपको शॉप का नाम रखना है, या आप समझे मेरा जो शॉप का नाम है नव भारत, तो मैं यहाँ पर पहले सर्च कर लेता हूँ नव भारत सुविधा केंद्र, यहाँ पर सर्च करता हूँ, यहाँ पर आ गया नव भारत टाइम्स आ गया, नव भारत इंडियन टाइम्स डॉट कॉम आ गया, जस्ट डेल में आपको यहाँ पर जस्ट डेल, ये जो नव भारत का बहुत सारा है, यहाँ पर मैं GKP क्रिएटिव लिखता हूँ, यहाँ पर GKP क्रिएटिव लिख दिया, यहाँ पर GKP क्रिएटिव का यूट्यूब मेरा यूट्यूब चैनल, यहाँ पर GKP क्रिएटिव डिजिटल इंडिया यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर मैं यही डोमेन आपको यहाँ पर गो डैडी में सर्च करके देखता हूँ, यहाँ पर GKP क्रिएटिव, आपको स्पेस नहीं देने समझो, GKP डोमेन नेम में स्पेस नहीं होता है, GKP क्रिएटिव डिजिटल इंडिया आपको यहाँ पर सर्च कर लेने, दिस कॉल्ड बी टू द बेस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटिव डिजिटल डॉट कॉम यहाँ पर आ गया 199 आपको, लेकिन फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स रजिस्ट्रेशन 2 ईयर्स का करना पड़ेगा। यहाँ पर GKP क्रिएट डिजिटल इंडिया डॉट कॉम, GKP क्रिएटिव डिजिटल इंडिया डॉट स्टोर, बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग अमाउंट में आपको यहाँ पर, ये जो है गो डैडी का रेट है। यहाँ पर मैं अभी CSE में चला जाता हूँ, जो डिजी नेम में गया, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ डायरेक्ट डिजिटल इंडिया GKP, यहाँ पर ये सर्च कर देता हूँ, यहाँ पर पहले GKP लगा के GKP डिजिटल इंडिया डाल देता हूँ, फिर डोमेन नेम सर्च कर देता हूँ, आपको स्पेस नहीं देने, यहाँ पर देख सकते हैं सर्च रिजल्ट्स GKP डिजिटल इंडिया डॉट इन, ये जो अवेलेबल है, यहाँ पर एस्टिमेट 1 ईयर प्राइस, आपको जो 1 ईयर का जो प्राइस है 199.50 है, 50 रुपीज़ है मतलब लगभग 200 रुपये के आसपास। यहाँ पर देख सकते हैं डॉट इन, आपको सिर्फ चाहिए तो डॉट इन पर आपको टिक कर दें तो सिर्फ डॉट इन का डिस्प्ले होएगा, ये आपको .12 .net .co.in चाहिए तो .co.in पे आपको जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से जो भी अवेलेबल रहेगा वो आपको दिख जाएगा, आप यहाँ पर से डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर GKP डिजिटल इंडिया
इन कर देते हैं, gkpdigitalindia.in। इनके सबको समझो यहाँ पर ये नेम पसंद नहीं है, तो आप फिर से बैक आके यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो भी आपको चाहिए। सुनिए मैं यहाँ पर GKP क्रिएटिव सिंपल लिखता हूँ, GKP क्रिएटिव ये मेरा पहले से डोमेन है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो फॉलोइंग डोमेन्स आर नॉट अवेलेबल, ये जो है GKP क्रिएटिव डॉट इन जो है ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर GKP क्रिएटिव डॉट को डॉट इन अवेलेबल है, यहाँ पर सिर्फ इन अवेलेबल नहीं है लेकिन डॉट को डॉट इन थोड़ा सा भी चेंजेज हुआ है, फिर ये जो अवेलेबल अपने को डॉट को डॉट इन जो है अवेलेबल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ GKP डिजिटल इंडिया ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा GKP डिजिटल इंडिया। थोड़ा वीडियो लंबा होएगा लेकिन आपको इसी वीडियो में पूरा डिटेल में मिल जाएगा। GKP इंडिया जो भी आप डोमेन नेम लिखोगे तो आपको स्पेस नहीं देना है, विदाउट स्पेस ही आपको ले लेना है। यहाँ पर डोमेन सर्च, यहाँ पर GKP डिजिटल इंडिया, आपको यहाँ पर पूरा नेम सही से चेक कर लेना है। यहाँ पर मेरा नाम आ गया सही से, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड टू कार्ड जो है आपको ऐड टू कार्ड पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है कार्ट में ऐड हो गया। यहाँ पर आप देखोगे जो वन आ गया है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है कार्ट पर। कार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शॉपिंग कार्ट आपको यहाँ पर खुल गया है, कुछ 199.50 का, और GST जो है इसमें 35.99 ऐड हुआ है, तो इसके साथ ही टोटल जो है 235.41 यहाँ पर अमाउंट हो गया है। यहाँ पर सब चेकआउट कर सकते, चेकआउट करने से पहले आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर पूछे, सेलेक्ट कस्टमर, जो आप अगर समझो किसी को आपको सेल कर रहे हो तो कोई कस्टमर आपके पास आ जाए तो उनको आप डिजी नेम क्रिएट करो, तो यहाँ पर से आपको मतलब ऑलरेडी कस्टमर है या न्यू कस्टमर है आपको समझ में आ जाएगा। पर पहले से लिया है तो आपको एग्जिटिंग कर देना, अगर न्यू है कस्टमर तो आपको यहाँ पर न्यू कस्टमर कर देना, और मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैं भी इसके लिए न्यू हूँ, मैं भी न्यू कस्टमर पर क्लिक कर दिया। बाद में यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उसके साथ यहाँ पर प्राइस, और उसके साथ आप यहाँ पर एक साथ नाम 2 साल का भी आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, 1 ईयर या आपको 2 ईयर जो भी आपको अच्छा लगता है, 1 या 2 में आपको यहाँ पर 2 कर देता हूँ। 2 करने से क्या होएगा, यहाँ पर एक साथ मेरा जो है 2 साल का जो है रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाएगा, चाहे तो आप 1 साल का भी कर सकते हो, बाद में ऑटो रिन्यू आप रख सकते हो, आपको 1 साल होने के बाद फिर से आपको फिर 2 साल के लिए आप 1 साल के लिए आप फिर से इसको रिन्यू कर सकते हो। मैं अभी समझो 1 ईयर का रखा हूँ, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया है, तो बाद में आपको यहाँ पर फर्स्ट चेकआउट लॉग इन इस रिक्वायर, यहाँ पर हमें न्यू कस्टमर किया, फिर 1 1 ईयर का सेलेक्ट किया। बाद में यहाँ पर आपको जो है नाम रखना है, जो रजिस्ट्रेशन आपको जिसका कर रहे हो मतलब न्यू कस्टमर है, तो मैं कस्टमर हूँ इसके लिए, तो यहाँ पर मैं लिख दिया गणेश, फिर इंटर ईमेल, जो भी ईमेल आपको लिख देना है कस्टमर सामने वाला का, जो कस्टमर का या आपका खुद का, यहाँ पर आप जीमेल आईडी उनका लिख देना, बाद में उनका फ़ोन नंबर, बाद में उनका ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अभी समझो मेरा CAC है, मैंने CAC लिख दिया, यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर थाने, यहाँ पर जो आपका पिन कोड है उनका वो लिख देना है, क्योंकि GST नंबर अवेलेबल है तो आपको GST नंबर लिख देना। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जितने भी कभी भी आप फॉर्म फिलअप करते हो कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, यहाँ पर स्टार मार्क जितने भी होते हो कंपलसरी आपको फिल करने रहते हैं, आप स्टार मार्क को जितने भी स्टार मार्क्स होते सारे के सारे जो है फिल करना कंपलसरी है, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो। यहाँ पर बाद में यहाँ पर एड्रेस पूछा गया है, तो आपको एड्रेस लिख देना है। यहाँ पर क्या पूछा, डू नॉट यूज़ स्पेशल कैरेक्टर, जो एंड एट द रेट जो भी है स्पेशल कैरेक्टर हो, जो क्यू के ऊपर जितने भी स्पेशल कैरेक्टर उन सबको आपको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैं एड्रेस लिख देता हूँ, जैसे कि आपका शॉप का एड्रेस या घर का एड्रेस, आपको मतलब ज़्यादा कस्टमर होता है आपको आइडेंटिफाई करने में आपको ईजी हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा शॉप का एड्रेस, यहाँ पर मैंने शॉप का एड्रेस लिख दिया है पूरा, यहाँ पर मैंने शॉप का एड्रेस डाल दिया। बाद में आपको ऐड यूज़र पर आपको क्लिक कर दें, जैसे ऐड यूज़र पे ये ऐड हो गया, आपको ये जो है मोबाइल नंबर पे जो है एक OTP चला जाएगा, और जो है यहाँ पर आपका कस्टमर आईडी जो आपको क्रिएट हो गया, जो OTP गया है कस्टमर के मोबाइल में जो आपने मोबाइल नंबर दिया था, तो आपको डिजी नेम का ऐसे OTP उनको चला जाएगा, तो वो आपको OTP यहाँ पर डाल देने। बाद में यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर चेकआउट कर लेना, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट यूज़र टू चेकआउट,
यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ओटीपी डालने में, यहाँ पर पहले सबमिट कर लें। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट हो गया है। तो हमने यहाँ पर जो है कस्टमर भी सेलेक्ट कर दिए, यहाँ पर कस्टमर भी आ गया, यहाँ पर अभी आप चेकआउट के लिए रेडी हो गए। कुछ प्रोमोशनल कोड है तो आप कोड अप्लाई कर देना। कोड अभी तो नहीं है मेरे पास, यहाँ पर चेकआउट कर देता हूँ। चेकआउट करने में यहाँ पर देख सकते हैं हम चेकआउट किसका कर रहे हैं, चेकआउट मतलब हम ले रहा है jkpdigitalindia.in। यहाँ पर हम इसका डोमेन को हम ले रहे हैं, तो डोमेन जो में प्राइस इतना है और टोटल GST के साथ इतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मेक पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर CSC का जो है वॉलेट का है, तो यहाँ पर खुल गया। यहाँ पर कितना सेल अमाउंट है उतना, और आपके वॉलेट से भी उतना ही कट रहा है। आप ध्यान देना यहाँ पर जितना सेल अमाउंट है उतना ही कट रहा है। तो यहाँ पर आपको CSC ID आपके यहाँ पर दिख जाएगी। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड, ये जो पासवर्ड है आपका जो CSC login ID का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। जैसे वैलिडेट करोगे आपको फिर वॉलेट पिन पूछा जाएगा हर बार की तरह, इस बार भी आपको वॉलेट पिन आपको डाल देना है। बाद में यहाँ पर आपको पे कर देना है। पे करोगे तो पेमेंट सक्सेस हो गया है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, यहाँ पर से आप चाहे तो प्रिंट रिसीव कर सकते हो, या आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। मैं यहाँ पर प्रिंट, जितने भी आप काम करते हो कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो आपको उसका रिसीप्ट प्रिंट कर लेना है, आपके पास रख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आपको ये ध्यान में रखना, यहाँ पर CSC का तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर CSC के डैशबोर्ड में आप चले जाओगे तो यहाँ पर जो आपके सारे ट्रांजेक्शन के डिटेल यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी मैंने ट्रांजेक्शन किया यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर से भी डिटेल सेव कर सकते हैं। रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गए, तो अभी आप क्या करते हैं गो होम से। गो होम गए हमारा जो है यहाँ पर जो है एक यह जो कस्टमर आईडी बन गया है। अगर ये समझो फिर से कस्टमर, यही कस्टमर आता है, हम जो समझो अपन ने किसी कस्टमर का क्रिएट किया है उनका डोमेन, तो कस्टमर फिर से आता है। तो हर बार के हमको पूरे डिटेल भरना जरूरी नहीं है, एग्जिस्टिंग कस्टमर सेलेक्ट करके आपको उनका कस्टमर आईडी डाल के आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मोबाइल मतलब कस्टमर का मोबाइल नंबर, डोमेन नेम और परचेस डेट और एक्सपायरी। आपको ध्यान देना ये जो डोमेन है कभी एक्सपायर होएगा 2022 में पहले तारीख मतलब 1 तारीख को 17 एक पहले महीने में 17 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एक्शन दिया गया, यहाँ पर जो है 1, 2, 3 आप 10 साल तक इसको रिन्यू कर सकते हो। फिर चाहे तो आप 10 साल सेलेक्ट करो फिर रिन्यू कर सकते हो। असल में एक्सपायर होने आया है तो आपको क्लिक क्लिक करके रिन्यू पर क्लिक करके जो भी पेमेंट होता है तो आपको पेमेंट करके फिर रिन्यू आप 10 साल के लिए इस डोमेन को जो है अपने पास रख सकते हो। तो यहाँ पर जो है डोमेन लेना कैसा है मतलब डोमेन हम कैसे परचेस करें इसके बारे में ये वीडियो हो गए हैं। तो आगे आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको होस्टिंग कैसे करें, इसको पब्लिश कैसे करें, सब पब्लिकली आपको समझिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको कॉपी कर लिया या पर पेस्ट कर लिया या पर सर्च कर लिया। हमने जो है सिर्फ डोमेन लिया है, ये जो डोमेन है अभी इसको एक जगह स्टोर करना पड़ता है, मतलब ये जो डोमेन रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन ये होस्टिंग एक होना चाहिए। तो होस्टिंग के लिए आपको क्या करना है उसके लिए उसके ऊपर पूरा वीडियो में आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा उसको होस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है मैंने आपको डोमेन कैसे परचेस करना है ये बता दिया। यहाँ पर से जो होस्टिंग का भी पूरा आपको डिटेल यहाँ पर मिल गया है, तो आपको यहाँ पर से भी आप चेक कर सकते हैं। या मैं वीडियो अपलोड करना था आपको वेट करना, मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर वेबसाइट होस्टिंग बहुत सारे हैं और मतलब वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो इसके लिए इधर ही मैं आप स्टॉप करता हूँ। मेरे चैनल में आप बाद में वीडियो देख लेना, इसका होस्टिंग का मैंने पूरा बता देता हूँ। होस्टिंग का जो है पूरा डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। होस्टिंग होता है, नेम सर्वर होता है, सिक्योरिटी बहुत सारा इसमें, और जो अगला जो पार्ट है उसमें आपको पूरी डिटेल में इसका मैं बता दे। तुरंत लाइव नहीं होता, आपको वेट करना पड़ता है। आपको जो है डोमेन लाइव होने में भी 24 से 48 घंटा लगता है, उसके लिए भी आपको वेट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। अब साथ ही में लास्ट में वीडियो के अंत में इतना ही करना चाहता हूँ, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू।